आप हैं हमारे साथ जीटीए न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड की योजना संख्या 114/2006-07 के तहत किए गए निर्माण कार्य में आपूर्ति की गई सामग्रियों के एवज में 4 लाख रुपए की राशि का भुगतान नहीं किए जाने एवं राशि के भुगतान के लिए बार बार शिकायत करने और बार बार विभागीय कार्यालय के चक्कर लगाने के कारण थक कर आखिर में मऊ भंडार के टुमान डोहरी निवासी प्रहलाद अग्रवाल ने आगामी 25 जून को मुसाबनी प्रखंड कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की चेतावनी। इस संबंध में जमशेदपुर उपायुक्त को इसकी लिखित जानकारी दी गई है। इस संबंध में प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि अपने पैसे के भुगतान को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। प्रहलाद अग्रवाल की स्थिति इतनी खराब है कि उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत तक आ गई है। प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि सरकारी अधिकारी टाल मटोल की बातें कर कभी पैसे कैश दिया जा चुका है कि बातें करते हैं तो कहीं बैंक के जरिए राशि की भुगतान की बात कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित करे तो क्या करे। मैं प्रहलाद अग्रवाल घाटशिला निवासी हूँ। मैं मुसाबनी प्रखंड में योजना संख्या 114/6/7 मनरेगा के तहत 948,000 की सामग्री प्रहलाद अग्रवाल एवं शीतल इंटरप्राइजेज के नाम से आपूर्ति की थी। मैं लगभग 7 सालों से प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे भुगतान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में मैं लगातार संपर्क कर किया जा रहा है। मैं लिखित रूप से यह कह रहा हूँ कि मुझे भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा, तो लिखित रूप से ग्राम सेवक का कहना है कि आपको नगद भुगतान कर दिया गया, मुझे 1 रुपया भी नगद नहीं मिला। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी नगद भुगतान का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा। मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी बीमार हूँ और पारिवारिक स्थिति काफ़ी खराब है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको जांच कर मुझे भुगतान कराया जाए। वीडियो साहब का उदासीन रवैया अपना रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और इस मैटर को लेकर मैं DDC, DDC, DRDM मैडम को भी लिखित दे चुका हूँ। अब पारिवारिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। मेरा घर में भोजन को लेकर भी समस्या उत्पन्न हो गई है, दवाई दारू की से भी नहीं ले पा रहा हूँ। पारिवारिक स्थिति काफ़ी दयनीय होने के कारण मैं मजबूरन इस मैटर को लेकर उपायुक्त महोदय को एक पत्र लिखा हूँ और मैं निश्चित कर लिया हूँ कि 25 जून को मैं आत्मदाह कर लूँगा। 24 जून तक मुझे यदि न्याय नहीं मिला तो 25 जून 2019 को प्रखंड कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लूँगा। प्रखंड कार्यालय का कहना है कि मुझे नगद भुगतान कर दिया। मैं जब उसे पूछ रहा हूँ कि आपने नगद दिया तो कोई तो प्रूफ होगा आपके पास, मेरी रिसीविंग होगी, कुछ तो होगा। उनका साफ कह रहा है मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई पेपर नहीं है कि नगद दिए हैं, लेकिन आपको नगद दिया, मौखिक नगद मान रहे हैं। बिना भुगतान करके सीधा सीधी मामला बन रहा है, 4 लाख रुपये का नगद भुगतान बोल रहा है, कोई नगद नहीं, घोटाला किया गया इस योजना में। और एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, 6 लाख रुपया ग्राम सेवक ने अन्य नाम से उगाही करके गबन कर दिया है, इसका भी मेरे पास उचित प्रूफ है और उनसे पूछ रहा हूँ कि ये 6 लाख रुपया इस नाम से आपने निकासी की, इस नाम से आपने योजना में क्या किया था, क्या काम किया था, या मजदूर है या सप्लायर है, क्या है, उसमें भी वो लिख के दे रहा है, मेरा पास इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात मामला साफ है, गबन का मामला बनता है और 6 लाख रुपया मेरा पैसा उसमें, 6 लाख रुपया में मेरा भी 4 लाख रुपया है जिसको ग्राम सेवक ने साफ साफ गबन कर दिया है। 100% प्रूफ रहते हुए मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। आज मैं न्याय को मोहताज हूँ, पल पर 1-1 रुपया के लिए मोहताज हूँ। जमशेदपुर शिकायत लेकर जाता हूँ, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं, W2 ट्रेन में सफर करके शिकायत देता हूँ, बार बार शिकायत कर रहा हूँ, DC, DDC सबको शिकायत कर चुका हूँ।
सीधा सीधी वीडियो, कभी अलग जवाब देता है, कभी अलग जवाब दे रहा है, कभी बोलता है कि ये है, कभी बोलता है। मैंने योजना की फर्स्ट आपूर्ति 4/11/2008 को की थी, अगला बोल रहा कि 6 महीना पहले मैंने पेमेंट कर दिया आपको। मतलब सीधा गबन का मामला बनता है, सप्लाई के 6 महीना पहले पेमेंट दिखा रहा। क्या ऐसा होता है कि सप्लाई का पहले भुगतान कर दिया जाए? काफी मैं परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे उचित न्याय मिले, नहीं तो आत्मदाह करने में मजबूर हो जाऊंगा। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया। रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद। मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। चांद नजर आ गया, अल्लाह ही।